हेलो फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं क्रेटा बेस वेरिएंट। तो गाड़ी आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से कुछ इस तरीके की देखने को आ जाती है। गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग एक्सटीरियर व्यू देख लीजिए गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके की आ जाती है। और ये आपकी गाड़ी डीजल में होगी और इसमें देख सकते हैं तो माइलेज आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी में 1500 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस 10,44,000 आपको देखने को मिल जाता है इस बेस मॉडल का। तो बेस मॉडल में भी गाड़ी बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाड़ी का आप लोग फ्रंट प्रोफाइल इस तरीके का देख लीजिए कुछ आ जाता है। यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं बोनेट का डिज़ाइन। तो बोनेट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे कर्व आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है। और यहाँ पे DRLs आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी में, तो कुछ इस तरीके का सी लुक में आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो ये LED में आपको DRLs देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है। और यहाँ से आप लोग ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं, तो ये आपको पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है बड़ा सा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपको सिल्वर फिनिश में ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बम्पर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो ये कुछ इस तरीके का आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ व्यू इस तरीके का आ जाता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गाड़ी ओवरऑल हमारी बहुत ही अच्छी है और देख सकते हैं आप लोग टॉप सेलिंग कार में से एक है ये हुंडई क्रेटा। तो अभी आप लोग एक्सटीरियर व्यू कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइड प्रोफाइल एक बार देख लीजिए गाड़ी का। तो ये कुछ इस तरीके का देखने को आ जाता है, ये हमारी गाड़ी दिखती है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो व्हील हम लोग देखते हैं व्हील कितना मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 इंचेस का आपको यहाँ पे व्हील देखने को मिल जाता है। तो व्हील कुछ अपोलो टायर इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको व्हील कवर ये इसमें सिल्वर कलर का लगा हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ व्यू आ जाता है। और साइड में आप देख सकते हैं तो टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। और ORVM आप लोग देख सकते हैं तो आपको डुअल टोन में मिल जाएगा, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और डोर हैंडल आप लोग देख सकते हैं तो बॉडी कलर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ व्यू आ जाता है गाड़ी में। यहाँ पे आपको स्पोर्टी एजेस देखने को मिल जाते हैं, ये कर्व आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्लैडिंग कवर का आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर का आपको देखने को लगता है। तो ये कुछ अच्छा लुक आ जाता है देखने में। तो यहाँ से आप लोग साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग बैक डोर भी देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको ये बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक देख सकते हैं, तो 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सिल्वर कलर में ये आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिल्वर कलर का। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ही अच्छी। रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का देखने को आ जाता है। ये गाड़ी हमारी दिखती है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो टेल लैंप का लुक कुछ इस तरीके का देखने को आ जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ब्लिंक करेगा और स्टॉप जब करेंगे गाड़ी को तो यहाँ पे भी ये आपको ब्लिंक करते हैं। तो ये कुछ व्यू आता है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है गाड़ी में, तो अच्छा खासा लुक आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कि स्टॉप लाइट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है गाड़ी में। यहाँ पे इस जगह पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा और ये आपको क्रेटा की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। रियर बम्पर आप लोग देख सकते हैं तो ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू आता है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी और इस साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको डिफॉगल लाइन्स इस वाले में नहीं मिलती है। और इस जगह आप देख सकते हैं तो बैक में आपको रेडियो एंटीना देखने को मिल जाता है। अपर व्यू आप लोग देख सकते हैं तो आपको स्पोर्टी एजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ड्राइवर साइड वाली डोर में और वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर साइड वाले डोर में और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो डोर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से डुअल टोन में आ जाता है। यहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आता है व्हाइट में और यहाँ पे ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, चारों आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए डोर के लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, ये आपको मिरर लॉक मिल जाएगा। अनलॉक की बटन आप लोग देख सकते हैं तो ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगी गाड़ी में। और ये आप लोग देख सकते हैं तो स्पीकर यहाँ पे आपको इस जगह देखने को मिलते हैं गाड़ी में, ये आता है व्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं तो बॉटल स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो ये कुछ व्यू आ जाता है। और गाड़ी का इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं एक बार, तो कुछ इस तरीके का व्यू आता है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग गाड़ी में देख लीजिए, तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 190 mm का मिल जाएगा। तो ये व्यू आ जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में एंटर करते हैं, सीट्स आप लोग देख लीजिए। तो हार्ड टच में आपको सीट्स देखने को मिलती हैं, अंडर थाई रेस्ट आपको ये सॉफ्ट में मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो फ्यूल टैंक ओपनिंग का ये बटन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ व्यू आ जाता है। चलिए सीट में बैठ के देखते हैं हम लोग। तो सीट में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो गाड़ी का व्यू कुछ देख सकते हैं इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं,
स्टेयरिंग का व्यू, तो ये आपको ब्लैक कलर में स्टेयरिंग मिलती है, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश ये चीज़ दी जाती है यहाँ पे गाड़ी में। इस जगह भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ये देख सकते हैं तो कुछ लुक इस तरीके का आ जाता है। यहाँ पे बटन्स मिल जाती हैं, ये माइनस ही बटन मिलेंगी, 3-4 बटन है बस, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई बटन नहीं मिलती देखने को। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ये व्यू आता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं तो RPM मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी और MID मिल जाती, तो MID में सारी ट्रिप डिस्टेंस जो भी है डिटेल्स वो सारी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्पीड इसमें 240 किलोमीटर की आपको स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ व्यू आ जाता है गाड़ी का, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलता। ये आपको प्लेन आपको पियानो ब्लैक में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और AC के वेंट्स आप लोग देख सकते हैं तो 2 AC के वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिल्वर फिनिश आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं तो AC के वेंट्स यहाँ भी आपको मिल जाता है, ये आपको बोथ साइड में मिलेंगे। तो इसमें सिल्वर फिनिश का वर्क दिया जाता है, ये अच्छा लगता है। और ORVM का देख सकते हैं तो मैनुअली आपको कंट्रोल यहाँ से मिल जाएगा ORVM का, तो यहाँ से ORVM को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हो तो यहाँ पे ये AC वाला लुक आ जाता है, तो यहाँ से AC के मोड्स ये मिल जाते हैं, ये 3 बटन आपको मिलेंगे, फैन कंट्रोल, AC ऑन ऑफ, और ये आपका मोड्स सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पार्किंग लाइट की बटन यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाड़ी में। और ये इस जगह आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मोबाइल स्टोरेज यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट, तो ये कुछ व्यू आ जाता है। और गियर बॉक्स आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको 6 गियर बॉक्स मिल जाएगा, इसमें पियानो फिनिश का वर्क आपको देखने को मिलता है, ये सिल्वर फिनिश मिलेगा, गियर बॉक्स का लुक बहुत ही प्यारा आ जाता है। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं तो आपको सिल्वर फिनिश का वर्क देखने को मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पे आप लोग व्यू देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है, ये आपको 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। और ये हैंड ब्रेक आप लोग देख सकते हैं तो ब्लैक बटन फिनिश में मिल जाएगा। ये आर्मरेस्ट आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको हार्ड टच में मिल जाएगा। स्टोरेज इसमें देख सकते हैं तो इसमें स्टोरेज चेक करते हैं तो ये आपको देखिए स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाता है, इस तरीके का आ जाएगा, तो अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं तो सीट का लुक देख सकते हैं तो ये आपको सीट का लुक इस तरीके का आ जाता है। हेडरेस्ट आप लोग देख सकते हैं तो बोथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट बोथ साइड में मिल जाएंगे। और गाड़ी में यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको एक ये मिल जाएगा सन वाइजर विद टिकट होल्डर के साथ में। और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक मिल जाता है सन वाइजर, ये आपको वेंटीमीटर के साथ में मिलेगा। और ग्रैब हैंडल आप लोग देख सकते हैं तो ये आपको फिक्स्ड मिल जाएंगे, यहाँ पे बोथ साइड में मिलते हैं। और यहाँ पे साइड वाले डोर का व्यू आप लोग देख लीजिए। और गाड़ी में यहाँ पे देखते हैं ग्लव बॉक्स, तो ये आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो ओवरऑल गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ से आप लोग व्यू एक बार देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके की दिखती है। और यहाँ पे और बैक वाला व्यू आप लोग देख लीजिए, यहाँ से तो बैक का व्यू कुछ इस तरीके का आ जाता है बैक वाली सीट का। तो अभी हम लोग चलते हैं बैक वाली सीट में और वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। IRVM आप लोग देख सकते हैं तो मैनुअली एडजस्टेबल आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बैक वाली सीट में और वहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डोर को ओपन करते हैं और बैक वाले डोर में चलते हैं, तो इसको डोर को क्लोज कर देंगे और बैक वाले डोर को ओपन करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो बैक वाले डोर का डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये भी आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा, सेम आपको यहाँ पे वाइट फिनिश देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिरर कंट्रोल की ये बटन मिल जाएगी, ये आपको अनलॉक का बटन मिल जाता है इस तरीके का ब्लैक में। यहाँ पे स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, इस जगह आपको बॉटल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ से इंटीरियर व्यू आप लोग देख लीजिए गाड़ी का, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ये व्यू आ जाता है। चलिए हम लोग गाड़ी बैठ के देखते हैं और कंफर्टनेस देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पे सीट्स देख ली तो हार्ड टच में सीट्स हैं, और अभी हम लोग बैठ के देखते हैं तो स्पेस हम लोग देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैं कंफर्टेबली बैठ गया हूँ और स्पेस आप लोग देख लीजिए, पूरी सीट आपको पीछे कर दी गई है, इसके बाद में आपको इतना स्पेस देखने को मिल जाता है, तो स्पेस अच्छा खासा इसमें मिलता है। और यहाँ पे देख लीजिए इस जगह, तो ये आपको 2 AC के वेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये आपका मोबाइल स्टोरेज जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ व्यू आ जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा चीज़ उठी हुई नहीं लगती है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे साइड का व्यू देख लीजिए, साइड वाले डोर का, तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ये व्यू आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारा दिखता है डोर यहाँ पे, और ये आपको ग्रैब हैंडल देख लिए फिक्स्ड मिल जाते हैं बोथ साइड में। लाइट जो है रूफ वाली, तो ये आपको बैक में दी जाती है यहाँ पे, तो बैक में इस जगह पे लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ का व्यू कंप्लीट होता है। सीट बैक वाली देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड ये हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, तो ये आपको कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है। पहले हम लोग चलते हैं गाड़ी के बैक में और देखते हैं बूट कितना देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो सबसे पहले आपको की से ओपन करके दिखाते हैं, की किस तरह की आती है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से आप लोग की देख सकते हैं,
तो ये की आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको दो की इसमें मिल जाती, दोनों आपको पावर कीज मिल जाएंगी। इसमें तीन बटन आपको मिलेंगी, एक ये बूट ओपनिंग का मिल जाएगा और एक लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं बूट, इसमें देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ से बूट का देखिए बटन ओपन करते हैं और ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तो ये बूट ओपन हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ओपन करेंगे और ये आप लोग देख सकते हैं, तो 433 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये अपर व्यू आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए तो ये कुछ व्यू आ जाता है बूट का पूरे। आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा सा बूट स्पेस आपको देखने मिलता है। इसमें अच्छा खासा आप लोग लगेज कैरी कर सकते हैं, तो ये कुछ व्यू आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको ये आपको स्टेपनी देखने को मिल जाएगी, तो ये स्टेपनी का व्यू आ जाएगा। और व्यू आप लोग देख लीजिए गाड़ी का पूरा किस तरीके का आता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको अभी क्लोज करते हैं और यहाँ से एक बार व्यू देख लीजिए एक्सटीरियर व्यू गाड़ी का। तो ये फ्रंट प्रोफाइल आ जाती है गाड़ी की, देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ देखने को आ जाता है। तो इस तरीके का व्यू आता है गाड़ी का। तो अगर आप गाड़ी देखने के लिए विजिट करना चाहते हैं तो आप खंडा हुंडई अकबरपुर आके विजिट कर सकते हैं और गाड़ी की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।